नमस्कार सभी चैनल के दर्शकों को, मेरा नमस्कार राजू चौहान का। मैं आपका डायरेक्टर राजू चौहान। सर, ये फिल्म का शायद लास्ट शेड्यूल है जी। तो गैंग्स ऑफ सिवाना आपने लगभग कंप्लीट कर ली है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे? ये फिल्म पूरी हो गई है, ये लास्ट डे था। और इस पिक्चर का प्रोड्यूसर मेरा भाई है राजू साहिल खान, और हीरो है, और दूसरे हीरो हैं सुनील दुबे जी, जो काफ़ी अच्छे एक्टर कहलाएंगे आगे इस फिल्म के बाद में। दूसरे रवि किशन इस फिल्म में शायद कहलाएंगे सुनील दुबे, और बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। साहिल खान इस पिक्चर से एक नया हीरो भोजपुरी में पैदा होगा, और ये फिल्म एक ऐसे समाज को वो करेगी कि जो आतंकवाद के पीछे लोग भाग रहे हैं, आज युद्ध जा रहा है, पैसे का जो सब चीज़ें होती हैं, गरीबी सबसे पर गरीबी जो है। आतंकवाद को हमने एक ऐसी चीज़ से जोड़ा है उनको कि जो आज की डेट में हर आदमी आम आदमी करता है, आम आदमी ही आतंकवादी है, आम आदमी ही वो करता है, क्योंकि उनकी समस्याएं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर नेता, हर पुलिस वाला, हर पॉलिटिक्स में आम आदमी को बोला जाता है, मगर ये चीज़ें कोई मानता नहीं है। खाली जनता के लोगों को सब परेशान करने के लिए आम आदमी बोलते हैं। आम आदमी वाले ने दिल्ली में क्या किया है? सर, इसका कहने का मतलब आपका यह है कि आतंकवाद राजनीति पैदा करती है। आज जितना जहाँ भी पोस्टर उठा लीजिए, कहीं भी कोई भी बयान ले लीजिए आप, राजनीति तो है ही ना। राजनीति, मुझे ये बताइए, जब राजनीति सीधे अच्छे नेता रहते थे तब आतंकवाद कहाँ नहीं था? कहीं था? राजनीति ही आतंकवादी बना सकती है, आम आदमी नहीं बना सकता है। तो इसमें आपकी फिल्म में क्या इतना खास है कि जो आतंकवाद और आम आदमी को दिखाया है? नहीं, एक परिवार होता है जो जीना चाहता है, एक किसान है, एक गांव की कहानी है, और उसको राजनीति के ढंग से कैसे पुलिस और राजनीति उसको बैलेंस करती है, और उसको एक करेक्टर को, एक बंदे को, दो हीरो, एक हीरो है, तो इंस्पेक्टर है, एक डॉन बन जाता है, कैसे कैसे जोड़ा जाता है। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप आतंकवाद क्यों करते हैं, आतंकवाद क्यों कहलाए जाए? कोई भी आम आदमी, कोई भी आदमी आतंकवादी कहलाना नहीं चाहता है, मगर इस पिक्चर में जो भूमिका साहिल खान ने की है वो बहुत मायने रखने वाली है। अगर सोच करके देखा जाए, सोच के समझा जाए, तो उस चीज़ को बहुत तरीके से पॉजिटिव हो सकता है। नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। साहिल ने कई पिक्चर की है, मेरे साथ में पांच कमीने पूरी हो चुकी है, वो भी है, और भी कई पिक्चरें की हैं उसने, भोजपुरी भी की है, चंपा चमेली की है, काफ़ी फिल्में करी हैं और कर रहा है, इसके बाद में भी कई फिल्में। इंट्रोड्यूस नहीं है, उसकी चौथी पाँचवीं पिक्चर है। साहिल खान साहब ने इसमें कैसा परफॉर्म किया? बहुत अच्छा किया, मैन हीरो है। सर, ये कब तक रिलीज हो जाएगी फिर? जून में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी का हमारे प्रोड्यूसर साहिल खान। और आगे क्या करने का इरादा है आपका, कुछ और प्रोजेक्ट? इरादा क्या है, मेरे पांच छह प्रोजेक्ट हैं, अभी दो तीन प्रोजेक्ट हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट में साहिल खान साहब हैं आपके साथ? जितने प्रोजेक्ट में वो चाहेगा उसमें ले लूँगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं लूँगा। भाई भाई में भी भोजपुरी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी माताएं बहनें जो फिल्में देखना बंद कर दी हैं, इस फिल्म से देखना शुरू कर दें। आपने जो टाइटल रखा गैंग्स ऑफ सिवान, और भी तो रख सकते थे। ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं साहिल खान साहब, उनकी दिल की इच्छा थी कि इस सब्जेक्ट को बनाया जाए, और सिवान के ऊपर एक वहाँ उस ज़िले के रहने वाले हैं वो, और अपनी माँ को, अपनी ज़मीन को, अपनी धरती माता को, अपने ज़िले को, सब आदमी अपने अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, और वहाँ की रियल
चीजें थी कुछ उसमें, तो वो हमने दिखाने की कोशिश की है, इसलिए टाइटल रियल है। थी या फिल्म का जो स्क्रिप्ट था वो रियल था क्या? आपने चीजें नहीं रियल थी, गैंग्स ऑफ सिवान चीजें नहीं थी। स्क्रिप्ट तो फिल्म वाली फिल्म की जैसी होती है। कोई भी दुनिया में, कोई भी आज तक कोई डायरेक्टर, कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं बना जो रियल में फिल्म बना दे, रियल कहानी की। कोई कोई भी डायरेक्टर फिल्म ही बनाएगा, फिल्म स्क्रिप्ट लिखेगा, कोई झूठ बोलते हैं लोग। कोई डायरेक्टर दुनिया में पैदा नहीं हुआ है रियल बना दे। सर गाने किस तरह के हैं? गाने लव मसाले, मसाला है फुल, मस्ती गाने हैं, आइटम है, लव है, कॉमेडी है, टेंशन्स हैं। हमने सुना है सर कि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं वो गुजरात की हैं, तो भोजपुरी में वो काम कर रही हैं, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आया नहीं? लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। वो पहले एल्बम करती थी, गुजरात में भी की हैं और भी भोजपुरी कर रही हैं, मगर मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ये साहिल साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, बस मेरे साथ में ये काम किया है, इतना ही जानता हूँ। ओके, थैंक यू।